वेलकम टू स्टेनो विद पारस। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाया जाना अपेक्षित ही नहीं, आवश्यक भी था। प्रधानमंत्री ने 21 दिनी लॉकडाउन के आखिरी दिन उसकी अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए उन कारणों का उल्लेख किया जिनके चलते ऐसा फैसला लेना जरूरी हो गया था। चूंकि देश की जनता भी इन कारणों से भली भांति अवगत है, इसलिए यह आवश्यक है कि उसकी ओर से उसी धैर्य और अनुशासन का परिचय आगे भी दिया जाए जो अभी तक दिया गया है और जिसके चलते देश कोरोना की भयावहता से एक बड़ी हद तक बचा हुआ है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा करते समय यह स्पष्ट किया कि 20 अप्रैल के बाद देश के उन इलाकों में कुछ रियायत दी जा सकती हैं जहां कोरोना के मरीज नहीं मिलेंगे और जहां संक्रमण फैलने का अंदेशा भी नहीं होगा। इन रियायतों की प्रतीक्षा के बीच राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वे केंद्र सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों के अमल को लेकर अभी से कमर कसना शुरू कर दें, क्योंकि उनका पालन उन्हें ही कराना है। निसंदेह आम जनता को भी खुद को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि उसकी ओर से इन दिशा निर्देशों का कहीं कोई उल्लंघन न होने पाए। पहरा। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा करते हुए देश की जनता को 7 सूत्रीय दायित्वों की याद दिलाते हुए रेखांकित किया कि इस दौरान लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि प्रधानमंत्री की ओर से कमजोर तबके का खास ध्यान रखे जाने का आश्वासन देने के कुछ ही घंटों बाद मुंबई में सैकड़ों कामगार घर जाने की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए। इस जमावड़े ने दिल्ली NCR से कामगारों के यकायक पलायन की याद ताज़ा कर दी। क्या मुंबई में भी कामगारों के यकायक सड़कों पर आ जाने के पीछे कोई शरारत या अफवाह थी? सच में जो भी हो, यह ठीक नहीं कि रह रह कर ऐसी घटनाएं घट जा रही हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेरने का अंदेशा पैदा कर देती हैं। पहले दिल्ली, फिर सूरत और अब मुंबई की घटना के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह देखना ही होगा कि कामगारों को उनके हितों की रक्षा का भरोसा दिलाने में कहां क्या कमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें जरूरी सहायता सही तरह उपलब्ध नहीं हो रही है। बेहतर होगा कि मजदूरों, कामगारों और साथ ही कमजोर तबके के
अन्य लोगों को मदद पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की नए सिरे से समीक्षा की जाए और उसके छिद्रों को बंद किया जाए। स्टॉप।